लोकसभा चुनाव के सातवें चरण को लेकर बीजेपी ने नहीं छोड़ी कोई कसर। आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, कई जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज यूपी में कई जगहों पर चुनावी प्रचार करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में होगी पहली जनसभा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। शाम 7 बजे वाराणसी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे स्मृति। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान राहुल और केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, राहुल केजरीवाल को पाक से समर्थन मिलना ये चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे जल्द सुनवाई की मांग। 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा के शासन में हर जिले में गुंडे थे, योगी जी ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, शाह ने पंजाब की आप सरकार गिराने की धमकी दी है। केजरीवाल के शाह पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा का पलटवार। बोले, आप पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त, सिर्फ विज्ञापन में इनकी सरकार दिखती है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने आडवाणी को बताया पाकिस्तानी। बोले, इंडिया में आकर बस गया आडवाणी। पीएम के हारने का भी दावा किया। लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा दावा। कहा, छठवें चरण में हम 400 के करीब, सातवें चरण में करेंगे 400 पार। सपा नेता नारद राय ने अखिलेश यादव से जताई नाराजगी। कहा, मैं अपने समर्थकों के खिलाफ नहीं जा सकता। साथ ही सपा नेताओं पर साजिश करने और अपमानित करने का भी आरोप लगाया। तो लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। अब तक के 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छठे चरण तक उन्होंने 400 का आंकड़ा छू लिया है और सातवें चरण में वो 400 पार कर जाएंगे। विपक्ष अपने दावे कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। बस कुछ ही दिनों में चुनाव नतीजे आ जाएंगे, देश में नई सरकार का गठन होगा, किसे मौका मिलेगा ये जनता तय कर चुकी है। मोदी तो अपनी तीसरी पारी के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हर मोर्चे पर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, तो उधर विपक्ष भी खुद को दौड़ में बता रहा है। 1 जून को फाइनल राउंड की वोटिंग के साथ ही यह सब कुछ तय हो जाएगा। फिलहाल आखिरी चरण के लिए यूपी का पूर्वांचल फोकस में है। मोदी ने अपनी पूरी टीम को उतार दिया है। नड्डा, शाह, योगी समेत बड़े बड़े दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं, तो बाकी सीटों के लिए भी जीतोड़ कोशिशें हो रही हैं। मगर नतीजों के हिंट पीएम मोदी ने पहले ही दे दी। 1 जून को मतदान से पहले हमारा पूर्वांचल मन बना चुका है, बीजेपी को जिताना है, एनडीए को जिताना है। तीसरी पारी अगर तय है तो क्या फाइलें भी तैयार हैं? बस हस्ताक्षर का इंतजार है। क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? क्या देश में अगला चुनाव बस एक होगा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? यूसीसी आ जाएगा और पीओके भी क्या फिर से हमारा हो जाएगा?